हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। घर में कुछ भी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए अच्छे से प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। आद्रित की बर्थडे इस बार घर पे ही सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं। पार्टी के लिए जो जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर रही हूँ, इससे मुझे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए इजी होगा। पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए मेन पॉइंट है बजट। मैं इस बार लो बजट में अच्छे से ये पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। आद्रित के साथ बैठ के ही उसके फ्रेंड्स के लिस्ट रेडी कर रही हूँ। ऐसे गेस्ट लिस्ट रेडी कर लेने से लिस्ट के अकॉर्डिंग बाकी का काम करना इजी होगा। गेस्ट लिस्ट के बाद नेक्स्ट मेन काम है बर्थडे का थीम डिसाइड करना। बर्थडे थीम इस बार मैं गोल्डन एंड ब्लू में रखने को सोच रही हूँ। बर्थडे केक के बिना तो बर्थडे के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं ना। केक फ्रेश एंड होममेड हो तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। गेस्ट लिस्ट पहले ही बना लिया था, सो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न गिफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना मेरे लिए ईजी पड़ेगा। ऑनलाइन रिटर्न गिफ्ट का बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने रिटर्न गिफ्ट के लिए पेंसिल्स का सेट एंड बुक्स ऑर्डर किया है। ये पेंसिल्स रियली बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। किड्स को ये कलरफुल सेट्स शायद बहुत अच्छा लगेगा। रिटर्न गिफ्ट पैक करने के लिए ये रैपिंग पेपर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका साइज काफ़ी बड़ा है, सो एक पेपर से मैं 4 बुक्स इजीली पैक कर पा रही हूँ। डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे रैपिंग पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। छोटे छोटे हेल्प के लिए किड को इन्वॉल्व करने से किड बहुत कुछ सीख पाते हैं। डेकोरेशन थीम के अकॉर्डिंग कुछ क्राफ्ट रेडी किया है। डेकोरेशन का फुल वीडियो नेक्स्ट वीक में अपलोड करूंगी। चोको चिप्स ऐड करने से चॉकलेट केक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैंने एगलेस केक ही रेडी किया है। चॉकलेट केक का फुल रेसिपी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ये केक टॉपर्स रियली बहुत क्यूट लग रहे हैं ना। बर्थडे थीम के साथ मैच करके ही मैंने ऑनलाइन ये ऑर्डर किया था। पार्टी के लिए घर पे ही सब कुछ कुकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों को? किड्स को तो ओरियो बॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओरियो बॉल्स बनाना भी काफ़ी इजी है। ओरियो बिस्किट से क्रीम अलग से रख के बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेना है। अभी इसमें चॉकलेट सिरप्स और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके डो रेडी कर लिया है। जो क्रीम अलग से रखा था उससे स्मॉल बॉल्स बना लिया है। अभी थोड़ा डो लेकर इसके अंदर क्रीम बॉल्स ऐड करके बॉल्स रेडी कर लेना है। अभी मेल्टेड चॉकलेट में इन बॉल्स को डीप करके अच्छे से चॉकलेट से कोटिंग कर लेना है, और लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल्स और चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ। इससे ओरियो बॉल्स बहुत ही क्यूट दिखते हैं। बर्थडे पार्टी किड्स के फेवरेट कटलेट के बिना तो होगा ही नहीं। यस, मैं कटलेट घर पे बनाना प्रेफर करती हूँ। मार्केट में तो अलग अलग ब्रांड के कटलेट्स के बहुत सारे पैकेट्स अवेलेबल है, बट उनमें कितना सारा प्रिजर्वेटिव रहते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। ये वेज कटलेट आद्रित को मैं टिफिन में भी देती हूँ। उसको वेज कटलेट्स बहुत ही पसंद है। इस कटलेट में बहुत सारा वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। वेजीज को 2-3 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करने के बाद बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो में इनको ऐड करना है। अभी 1/2 कप ब्रेड क्रम्स ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुकी कटर से मैं अलग अलग
सेप्स बना रही हूँ। ऐसे अलग अलग सेप्स देख के किड्स हैप्पी हो जाते हैं। वन स्पून मैदा, टू स्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करके ये पेस्ट बना लिया है। कटलेट्स को इसमें डीप करने के बाद अभी ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोटिंग करना है। बस अभी इनको अच्छे से दोनों साइड फ्राई करना है। ये वेज मेयो सैंडविच काफ़ी टेस्टी बनता है। ये बहुत कम टाइम में रेडी हो जाते हैं। ब्रेड में बटर अप्लाई करके इस वेज मेयो मिक्स को ऐड करना है। बस हो गया टेस्टी सैंडविच रेडी। बर्थडे पार्टी का लास्ट रेसिपी है वेज नूडल्स। ये नूडल्स रेसिपी का फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगी। बर्थडे पार्टी के लिए सब कुछ होममेड फूड रेडी हो गया है और लास्ट में किड्स के फेवरेट पॉपकॉर्न एंड फ्रेश जूस ऐड कर रही हूँ। आड्रिड के बर्थडे पार्टी के लिए फूड, केक एंड डेकोरेशन सब कुछ घर पे ही रेडी हो गया इजीली एंड कम टाइम में। आज का ये बर्थडे प्लानिंग ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए बाय बाय एंड सी यू।